ये होटल का पार्ट है और दिस इज कॉल्ड द होटल ऑल होटल द एंट्रेंस फ्रॉम द अदर साइड इज या नो नो अदर साइड से जा ही नहीं सकते हम लोग नो नो फ्रॉम द अदर साइड सो श्रीकांत भाई बताएंगे कैसा लगा आपको ओके उतना ज्यादा क्या उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा और हेमंत जी आप बताइए ठीक था मतलब बढ़िया एंजॉय मतलब कुछ किया नहीं तो कम से कम यही देखा मतलब जेल में से निकल के काफी अच्छा लग रहा है ऐसा बोल सकते हैं एक मेमोरी मतलब मेरे हिसाब से तो हमारे इधर भी किले बट उससे तो काफी अच्छा है मानगढ़ का किला हमारे इधर चुनार का किला है तो उससे तो काफी बड़ा है काफी अच्छा भी है काफी अच्छे तरह से और जो भी ट्रेजरी है वहाँ की उस टाइम पे चीज़ों को अच्छे से सजो कर रखा गया है मतलब और आपको अगर मानगढ़ किले तक आना है तो यहाँ से काफ़ी साधन उपलब्ध है वाया रोड और वाया एरोप्लेन और रेलगाड़ी से भी आ सकते हो आराम से क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा मशक्कत करना नहीं है वाया रोड आराम से आ जाओ तो अभी हमारी पार्किंग में कार खड़ी है तो हम चलते हैं वो देखो अपनी से रहते हैं। कार आ रही है तो कार में बैठ के आराम से चलते अभी काफ़ी भूख लग गया है तो लंच वगैरह करेंगे तो चलते अभी लंच करने लेट्स गो यहाँ से अपने पूरा ब्लू सिटी दिख रहा है देखो तो अभी हम लोग आ गए लंच करने के लिए रिवियर गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये मेरे कुछ फोटोज देखो कहाँ पे हो मैं कढ़ाई के अंदर ये क्लिप नहीं फोटोज कढ़ाई चिकन तो अभी हम लोग यहाँ पे रसराज में करेंगे लंच लंच करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट काम निकलेंगे उमेर भवन घूमने के बाद फिर वहाँ पे फिर डायरेक्ट अपना गेस्ट हाउस निकलेंगे ट्यूजडे का इंतजार करते हैं ट्यूजडे चूँकि भाई साहब स्पेशल थाली है क्या क्या है इसमें स्वीट्स है सैलेड है दही है पनीर की भाजी है और कुछ है इसका नाम क्या है पता नहीं चावल है दाल है और लच्छा पराठा है और साथ में पापड़ भी है और हम दो लोग वेज हैं और ये सामने दो लोग दिख रहे हैं नॉन वेज वाले हैं प्राउड नॉन वेजिटेरियन आई एम प्राउड टू बी वेजिटेरियन गाइज यू नो दिस बोथ पर्सन आर लुकिंग फॉर नॉन वेज फॉर लास्ट 10 days यस नाउ दे आर हैविंग नॉन वेज फॉर फाइनली एंड वी आर टेकिंग वेज सो गाइज फाइनली हम लोगों ने लंच कर लिया और हमारे साथ दो लोग थे नॉन वेज के लिए काफ़ी तरस रहे थे फाइनली नॉनवेज के लिए स्टॉप मिल गया नॉनवेज खा लिया श्रीकांत बोलो कैसा था टेस्ट अच्छा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा था मजा आ गया ट्रिप्ट हो गया आज मजा आ गया और हेमंत जी दिन के बाद बढ़िया था ना तो हम लोग लंच वगैरह हो गया अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे उमेद भवन के लिए उमेद भवन में देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं कैसी वहाँ के एक्सप्लोर करेंगे फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम लोग डायरेक्ट गेस्ट हाउस में तब तक ले चलते हैं लेट्स गो भाई साहब देख रहे हो यहाँ हम लोग सेम ड्रेस में लोकेशन चेंज ड्रेस चेंज श्रीकांत भाई का आप देख रहे हो एकदम मौज कर लिया सब लोग उमेद भवन के गेट पे आ चुके हैं तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर यहाँ से अपना मेन एंट्रेंस हॉल है
टिकट वगैरह लेना पड़ेगा हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एंट्रेंस हॉल में आ चुके हैं भाई साहब, आप देखो इसकी नकाशी देखो कैसी है, ये देखो यहाँ के हिस्ट्री, यहाँ के किंग मेलबर्न पैलेस। क्या टेस्ट क्या कर रहे हैं टच करके? किससे जॉइंट किया करेगा टेस्ट करना? ओके, सीमेंट है या क्या है ये बीच में जो है? वी एक्चुअली हम लोग सिविल इंजीनियर भी हो चुके हैं आईटी के साथ साथ, तो हम लोग ये भी टेस्ट कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं ना, हाइड्रोलिक सीमेंट चीज। अभी इधर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए भाई साहब, स्टीफन नॉर्वे कच्छ के चित्र, स्टीफन समथिंग। ये भी समथिंग कुछ है, रिटन इन सम स्मॉल लेटर्स, उमेर बॉन के अंदर का आर्किटेक्चर वगैरह जैसे हैं उसके बारे में लिखित किया गया है। उमेर बॉन का पूरा फोटो वगैरह यहाँ पे एज ए गैलरी में लगाया गया है। और यहाँ के कुछ हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो कई सारे मूवियों में आई थिंक ये सीन भी आई, ये महल देखा होगा उमेद भवन को, इसका आर्किटेक्चर वगैरह जब रेडी हो रहा तब का, ये यहाँ पे कुछ उसके क्लिप्स वगैरह हैं रेडी होने के टाइम की। और मैं इसका प्रोटोटाइप यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये होटल का पार्ट है, अदर साइड से जा ही नहीं सकते हम लोग। अदर साइड एक मैजिक चीज दिखाता हूँ, यहाँ का जो फैन है बस टू, आपने फैन देखा होगा सिर्फ तीन वाला टंग का, यहाँ पे दो टंग का फैन दिखाता हूँ। देखो ऊपर देखो फैन दो टंग की, और उधर भी देखो, सही बोला आपने दो टंग। कैसे चलता होगा? चला के देखेगी चलाना पड़ेगा। ये देखो कुछ क्लिप्स वगैरह दिखा देते हैं, वैसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह है, ये राजा महाराजा राजपूतों की फोटोज है। ये देखो ऊपर देखो कलाकारी, कुछ तो पेंट वगैरह बनाया गया है। हाँ पे अगर आपको बुकिंग करवाना है तो कितने रुपए लगने वाले हैं वन नाइट का? बताइए। 7,000-60,000 पर नाइट। और एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली सेलिब्रिटी लोगों की जो शादियाँ होती है, कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, मुकेश अंबानी हो गए और ऐसे लोग यहाँ पे बुकिंग वगैरह कराते हैं, और पर नाइट का कॉस्ट बताइए 60,000 अबव है। टाइगर दिखाते हैं आके, सीम्स लाइक लाइव। गैलरी स्पीक से यहाँ पे है और कुछ नहीं है, हिस्ट्रीज आप देख सकते यही देखने के लिए हम लोग आए होंगे, फोटोज देखेंगे। हवन कुंड हो रहा है, बेल खेती की जा रही है।
स्पोर्ट्स के लिए जो है फोटो है। देखो कुछ लैंप्स वगैरह लिखे हैं, ये लैंप्स हैं, ग्लास वगैरह तो बने हुए हुए हैं, माल टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या है। खड़ी है स्टिक लेके, वॉकिंग स्टिक, स्टिक्स में तो कुछ सॉ वगैरह एक्स लगा हुआ है, कुल्हाड़ी टाइप का, प्लेटें लगी हुई है, सेम्स लाइक गोल्डन कोटेड, मे बी गोल्डन लगा हुआ, आई डोंट नो। उनके पॉट्स पे डिजाइनिंग कैसे की गई थी वो यहाँ पे दर्शाया गया है। देखो ये तो कुछ तो है, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। और ये ग्लास है, उस टाइम पे शाही ग्लास वगैरह, इसमें वोट का छोटे छोटे पैक्स मारने के लिए ग्लास छोटी पैक बना हुआ। ये देखो छोटे छोटे शॉट्स बनाने के लिए, शॉट्स जिसको पीना है। ये तो स्पॉट्स है, स्मॉल शॉट्स। पैलेस के ये कुछ अनोखे कुछ तो है रखा हुआ है उस टाइम के, पिलास देखो, पिलास वगैरह है, पेन है, ये तो कुछ पान वगैरह जो रखते हैं वो उस टाइम के, बक्सा हो गया, चाय के प्याली है, वो कुछ तो है। और उस टाइम के मतलब डाइनिंग हॉल देखो कैसे रेस्टोरेंट टाइप का है, मतलब उनका डाइनिंग हॉल कैसा होता है, डाइनिंग टेबल वैसा है यहाँ पे रखा गया। और ये पहले के जो प्लेटें होते, पहले जो हम लोग सॉन्ग सुनते थे वो वाली मशीन, प्लेट्स चक्का घूमता था वैसे हम लोग सॉन्ग सुनते थे बहुत पहले के, अब तो काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, अपने मोबाइल में जहाँ मिलते तहाँ वहाँ पर सॉन्ग सुनते। और उस टाइम का फैन देखो पूरा बहुत पहले का, देखो फैन है, टेबल फैन। यहाँ पे देखो घोड़े वगैरह हैं, ये कुछ तो स्कल्पचर वगैरह हैं, सोफे रखे हुए हैं, वो तो डोलची टाइप का कुछ, मतलब पालकी टाइप का कुछ तो लग रहा है। देखो जैसे वर्ल्ड कप कप को जीतता वैसा बनाया गया है, वर्ल्ड कप जीत के कुछ मतलब मैच वगैरह में जैसे कप कप ही हो एक्चुअली, वो कप ही है, सारे कप्स इधर रखे हुए सामने। ये देखो भाई कुछ नए नई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, सारी चीज़ें उस टाइम पे इत्र वगैरह दाढ़ी बाल बनाने वाली चीज़ें लग रही मेरे को। ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सब चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा, जिसको जो देखना है सब देखेगा। ये देखो उस टाइम को हुक्का, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये तो श्रृंगार गृह लग रहा है, मतलब ब्यूटी पार्लर टाइप का। देखो मैं भी देखूंगा सामने, थोड़ा जो ग्लास लगा हुआ है ग्लास में भी आ रहा हूँ। ये टेबल्स वगैरह हैं यहाँ पे, उस टाइम का अलमीरा देखो पूरा शीशे का बना हुआ है। रिसेंट के राजा महाराजाओं का फोटो है, देखो कुछ तो स्वॉर्ड्स वगैरह तलवारें रखे हुए हैं, सोफा सेट भाई साहब यहाँ से यहाँ। गोल्डन कोटेड है भाई साहब सीलिंग। देखो वॉच कलेक्शन, वॉचेस से काफी अच्छे कलेक्शन है। हाँ गिफ्ट लोग कर देते थे, सही बोल रहे हैं आप, विंटेज कलेक्शन है सब।
हाँ वही चाबी भर के रख दो, चल रहे हैं। जितनी यहाँ पे वॉच है सारे चाबी वाली हैं, चाबी भर के लग दो। देखो वॉल पे भी बहुत सारे ग्लास लगे हुए हैं। वॉच कलेक्शन उम्मीद भवन, और ये देखो कुछ अलग है। ये देखो ये वॉच देखो, और ये देखो बहुत सारे वॉचेस। आपको तो इतने सारे वॉचेस देखो, आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। वॉचेस ही वॉच, ये देखो जेट, फ्लाइंग जेट, रेल इंजन वाली वॉच, रेल इंजन वाली वॉच भाई साहब। इसमें भी टाइमिंग बताता है, चाबी लगा दो। ये देखो वुडन, और ये देखो टैंक, ये सारे एकदम यूनिक कलेक्शन है भाई साहब। यहाँ पे ऐसे ऐसे वॉचेस लेंगे जो आप, मैंने तो देखा ही नहीं था इतने खतरनाक वॉचेस। 25-26-26-30-30 के जी के वॉचेस थे वहाँ पे रखे हुए थे, पूरा स्टील मेटल के बने हुए। मतलब वॉचेस कलेक्शन तो भाई साहब एकदम विंटेज कलेक्शन है। अभी हम लोगों ने अंदर पूरा विंटेज कलेक्शन वगैरह जो भी थे यहाँ के गैलरीज वगैरह सारे चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। काफ़ी सारे क्लिप्स और फोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अभी चलते हैं, हम लोगों का अच्छा खासा फ़ोटो शूट वगैरह हो गया। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे भैया खड़े हैं, उन्होंने हम लोगों का फ़ोटो वगैरह अच्छे से निकाला है, और श्रीकांत का स्पेशली फ़ोटो निकाला, फिर हम लोग तीनों लोगों का एक साथ फ़ोटो निकालेंगे। तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया है, मैं वीडियोस में लगा दूंगा वो फ़ोटो। तो अभी चलेंगे हम लोग विंटेज कार कलेक्शन, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार के कलेक्शन वहाँ पे हैं। वहाँ पे आपको दिखाते हैं राजा महाराजाओं के कार के कलेक्शन, क्या क्या यूज़ करते थे। तो वहाँ पर चलते अभी, लेट्स गो। हमारे फोटोग्राफर देखे यहाँ पर आ चुके, श्रीकांत बाबू कैमरा पकड़ के फ़ोटो निकाल रहे हैं सबका। देखो सामने एक गर्ल से उसका फ़ोटोज निकाल रहे हैं, और श्री हेमंत जी देख रहे हैं। ये फोटोग्राफर अच्छे भाई हमारे, चलें आपका निकालें। नए नए कार कलेक्शन भाई देख रहे सब। इधर के जो कार का कलेक्शन काफी शानदार है। सो अभी लोग चल रहे हैं कुल्फी टेस्ट करने यहाँ का, काफी डिमांड पे श्रीकांत भाव के खाना था। मुझे खाना था एक्चुअली, मैं तो बस नाम ले रहा हूँ श्रीकांत। देखो कुल्फी है भाई साहब। भाऊ कैसा टेस्ट है? अच्छा है हेमंत जी, नंबर वन मस्त। अरे टेस्ट काफ़ी शानदार है। वैसे कुल्फी हम लोग काफ़ी दिनों बाद खा रहे हैं, मन तो नहीं था बट ठीक है, लेकिन खा लेते हैं। आए हो तो उधर कहाँ मिलने वाला है। तो बाहर निकले हैं तो यहाँ जस्ट क्रॉस किए रोड, तो हमको यहाँ पे ये वाला सीन देखने को मिला है। बहुत सुंदर, यहाँ पे जो घर वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी शानदार और सुंदर लग रहे हैं। सबका जो कलर है सेमी कलर है, मतलब
ये इधर जिधर जिधर मैं अब कैमरा घुमाऊंगा आप देखो सेम ही स्ट्रक्चर और टेक्सचर वगैरह आपको मिलेगा सब सारे घर का परफेक्ट बना हुआ है। हेमंत जी कैसा लग रहा है? अरे उनको भी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मस्त है ना लगा भाई साहब। अपने इधर भी रिक्शा है बट विक्रम जैसा है, बट ये थोड़ा इसका आगे ऐसे उठा हुआ है तो थोड़ा अलग है। तो अभी हम लोग पूरा घूम घूम के खाली हो चुके हैं, मतलब मानगढ़ मेहनार से ऊपर गाइस फाइनली वी आर बैक टू पवेली। ये देखो श्रीकांत भाई मेरे ब्लॉगिंग से परेशान हो गए, फर्स्ट टाइम देख रहे किसी को ब्लॉगिंग करते हुए डर था। मैं यही ब्लॉग क्लोज करने जा रहा हूँ इसलिए मैं ठीक है अपने ऑडियंस बता दूं मैं घर पे वो सस्पेंस रहे कि मैं अभी बाहर ही घूम रहा हूँ। काफी एंजॉय किया हम लोगों ने और दो फोर्ट हम लोग घूमा, मेहरानगढ़ और उमेद भवन। तो काफी एंजॉयमेंट हुआ, हम लोगों ने काफी पार्टियां वगैरह की, मजा आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।